بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين أما بعد كما کہ آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ प्रोग्राम था उसमें आपकी खिदमत ने अर्ज़ किया कि हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह की किताब को कुरान मजीद को पढ़ना सीखे कम से कम फ़र्ज इस मक़दार में है वाजिब इस मकदार में है कि जितनी मक़दार में वो अपने वाजिब फ़राज़ और नमाजों को अदा कर सके लेकिन उसके अलावा एक मुसलमान होने की हैसियत से गोया हमारा अखलाक़ी दीनी फरीजा और गोया शर्जा वजूब की हद तक ना हो लेकिन कम अज़ कम एक मुसलमान होने की हैसियत से हर शख़्स के लिए ज़रूरी है कि कुरान मजीद की तिलावत और करास से वो आश हो ताकि वो उसको पढ़े समझ सके और उसकी नूरानियत और उसकी मानवीय से अपनी ज़िंदगी के तमाम मरल में फैज़ हासिल कर सके ये जो दर्स आपकी खदमत में प्रोग्राम आपकी खदमत में पेश किया जा रहा है इसका है आओ कुरान सीखें जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि न, बहुत आसान तरीक़ा है कि जिसमें कम अज कम पांच नशस्तों में एक इंसान जो पांच से बल्कि और कम करके तीन नशस्तों में एक इंसान जो बिल्कुल क़ुरान मजीद की तिलावत से नाशना है कुछ बेसिक बहुत आसान रुमूज़ हैं कुछ फार्मूलाज हैं एक तरीक़ा था कदीमी तरीक़ा कि जो अपने ज़माने में बहुत मतलूब और अच्छा तरीक़ा था लेकिन हर जमाने को हर चीज़ को अपने ज़माने के मुताबिक हर नहज को अपने ज़माने के मुताबिक अपडेट होना चाहिए और पेश होना चाहिए एक ज़माने में जब इतनी तरक्की नहीं हुई थी और इतने वसाइल इतने ज़रा फ़राम नहीं हुए थे तो उस वक्त जो तरीक़ा तालीम कुरान मजीद का था एक बेहतरीन तरीक़ा था और सबसे मतलूब तरीका था लेकिन जमाने की तरक्की के साथ साथ कुरान मजीद के जो माहरी हैं और गोया इसकी रूहानी और इसकी तिलावत के फ़न के सिलसिले में जिन्होंने महारत हासिल की है उन्होंने जदीद अखरात और जदीद तहक़ीकों के ज़रिए एक ऐसा आसान नहज और तरीक़ा पेश किया कुरान मजीद की तिलावत सीखने का कि जिसे इंसान अगर उस नहज के मुताबिक अगर कुरान मजीद की गोया तलीम को हासिल करता है तो कम से कम वक्त में वो कुर मजीद की तिलावत सीख सकता है और कुर मजीद की करात उसको आ सकती है तो इन श्ल्ला जो हमारे दर्स का अनवान है वो आओ कुरान सीखें एक शख्स जो कुरान मजीद की करात या तिलावत सीखना चाहता है उसके लिए चंद बेसिक और बुनियादी नुकात और पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ अगर तोज् करे वो तो उसके बाद उसके लिए इस गोया किताब की तलीम हासिल करना उसको सीखना उसकी कराट उसको पढ़ना उसके लिए बहुत आसान हो जाता सबसे पहली चीज़ जिसकी तरफ अलबत् मैंने एक बात की तरफ और तोज दिलाई थी गुजशत प्रोग्राम में वो ये कि वो शख्स के जो इस पैटर्न के मुताबिक इस नहज के मुताबिक जो आपके सामने पेश किया जाएगा अगर इस नहज के मुताबिक कुरान मजीद की तिलावत सीखना चाहता है तो उसको सबसे ज़्यादा तोज्जो अरबी के हरूफ और अल्फेब्स पर करनी होगी अगर एक शख्स अल्फेब से आशना है अलबत् मैंने आपकी खिदमत बार कि हमारी ज़बान जैसे उर्दू है उर्दू में अगर इंसान हरूफ से आशना हो जाए तो कलमात को और हरूफ को एक दूसरे से मिलाना बहुत ज़्यादा सख्त नहीं और एक लफ्ज़ तैयार करना उनसे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता क्योंकि उर्दू हमारी ज़बान है हम अगर हरूफ को एक दूसरे से मिलाना सीख जाएं तो हम मिलाकर हरूफ से आशना हो जाए तो उसके बाद उन्हें मिला हम कल और अलफा ऐसे अलफाज ऐसे कलि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं हम उन्हें बयान कर सकते हैं उन बयान करना उनका आसान होगा लेकिन अरबी में ऐसा नहीं क्यों क्योंकि अरबी हमारी ज़बान नहीं लिहाजा हमें सबसे पहले अरबी के हरूफ से आशना होना ज़रूरी है अल्फेब्स से आशना होना ज़रूरी है अगर हम अल्फेब्स से आशना हो जाएंगे, तो उसके बाद जो दूसरा मरला होता है वो अल्फेब्स को किस तरह एक दूसरे से मिला के उनकी आवाज़ निकाली जाए ये एक दूसरा मरहला होता है तो हमें इन दो चीज़ों की तरफ अगर हम तवज्जो कर लें तो कुराना मजीद की तलावत हमारे लिए सबसे आसान हो जाती है सबसे पहले चंद नुकात आपकी खिदमत पर पे पेश करें नुकात की तरफ खसूस तवज्जो दीजिएगा इन शाला उसके बाद हमारी बात आगे होगी सबसे पहले हर जबान में अल्फ़ेट्स होते हैं अरबी में भी अल्फेबट्स हैं हरूफ हैं अरबी के हरूफ को अल्फेब्स को कहा जाता है हरूफ तहजी इनका नाम जो है हरूफ तहजी या हरूफ हिजा हरूफ तहजी अरबी में जो अल्फाबेट्स हैं उनको कहते हैं हरूफ तहजी इसको नाम को ज़हन में रखिए कि अरबी अरबी के हरूफ को क्या कहा जाता है हरूफ तहजी अरबी हरूफ मैं अलबत् सहूलत के लिए गर्ज यह अरबी का दर्स है और कुरान मजीद का दर्स है लेकिन सहूलत के लिए ताकि हमारे मुखातबीन में इजाफा हो जाए हमारी ऑडियंस में टारगेट में हमारा इजाफा हो जाए क्योंकि बहुत से वो लोग हैं कि जो उर्दू अलफाज से आशना नहीं है लेकिन ये वो ज़बान है मुश्तरक ज़बान कि इससे अक्सर लोग आशना है तो इसलिए सिर्फ इस वजह से इसको अंग्रेज़ी हरूफ लेकिन ज़बान उर्दू है इस तरह लिख रहा हूँ ताकि सब समझ सकें अरबी हरूफ को हरूफ तहजी कहते हैं दूसरी बात दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको और एक बात बताता चलूँ दस से ग्यारह मैक्सिमम बारह नकत हैं अगर इनसे कोई शख्स आशना हो जाए उन निकात से तो उसके लिए फिर कुर मजीद को पढ़ना कोई सख्त मरहला नहीं होगा हती वो लोग मेरी ये गुजारिश है वो लोग जो कुरान पढ़ना जानते हैं वो भी इस पैटर्न इस नहज को सीखें समझें ताकि वो अपने हल्के में दूसरों को इसी नहज पर कुरान मजीद सिखा सकें कम से कम वक्त में और सीखने वाला भी बहुत ज़्यादा सऊबत का और सख्तीय का एहसास ना कर पाए तो सबसे पहला पॉइंट क्या था अरबी में हरूफ को क्या कहा जाता है हरूफ तहजी कहा जाता है दूसरी बात यह कि अरबी में जो हरूफ की तादाद है वो हरूफ की तादाद है 28. अलबत्तः बाज़ लोग कहते हैं उनतीस है तादाद उसकी वजह उसका सबब यह है कि हमज़े को लोग अलग पढ़ते हैं और बाज लोग हमज़े को अलिफ़ को एक ही पढ़ते हैं तो अभी उस कॉन्फ्लिक्ट में और इस इसफ़ है नज़र में नहीं जाना है इतना मान कर चले कि अरबी हरूफ की तादाद कितनी है अरबी में अट्ठाईस अरबी में अरबी हरूफ की अरबी हरूफ की तादाद और अल्फ़ाबेट्स की जो तादाद है वो कितनी है वो अट्ठाइस है ये सबसे इम्पोर्टेंट तो पहली बार हरूफ हरूफ को अरबी में क्या कहा जाता है हरूफ तहजी दूसरी बात अरबी हरूफ की तादाद कितनी है अट्ठाईस इंग्लिश में आपने सुना होगा ख़ासकर बच्चे इससे ज़्यादा मानूस हैं और बुज़ुर्ग सभी मानूस हैं जो भी ज़रा जर, बहुत भी अंग्रेज़ी से आशना है कि इंग्लिश में जो अल्फ़ेब्स हैं और जो हरूफ हैं उनकी दो किस्म है एक स्मॉल लेटर है वो छोटे हरूफ और कैपिटल लेटर बड़े हरूफ स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर अलबत्ता अंग्रेजी में मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर अगर आप लिखते हैं तो उनके नक्शो नगार में भी फर्क होता है एग्जाम्पल इंग्लिश में ये कैपिटल लेटर ए है बड़ा ए इसको जब आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो ये स्मॉल लेटर होगा छोटा ए होगा तो दोनों की शक्ल में भी फर्क है अरबी में भी इसी तरह दो तरह के हरूफ पाए जाते हैं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर इनकी मिसालें आपकी खिदमत में पेश करूंगा इसको ज़हन में अभी आप रखिएगा यकीनन अरबी के हरूफ जो हैं वो दो तरह के नहीं हैं वो एक ही हैं लेकिन उनके लिखने के अंदाज़ में फ़र्क के सबब इसको एक्सप्लेन करने के लिए और सिर्फ जहन नशीन करने के लिए इनको दो हिस्सों में बांटा गया है क्योंकि जब अरबी के हरूफ मिला कर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ और होती है और जब अलग अलग लिखते हैं तो उनकी शक्ल कुछ और होती है तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए और आसान बनाने के लिए माहरीन ने कोशिश की ताकि जो असरी ज़बान जो मानूस ज़बान है और जो आ, मानूस गोया तबीर है इस सिलसिले में उस तबीर में आपकी खिदमत पर पे पेश किया जाए ताकि सीखना आसान हो तो अपने जहन में रखिएगा इसको कि इस स्मॉल लेटर छोटे हरूफ और कैपिटल लेटर अरबी में जिस तरह इंग्लिश में पाया जाता है अरबी में भी इसी तरह है छोटे और स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर तीसरी चीज़ अरबी के हरूफ की ता, दो किस्म है एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि अरबी हरूफ में दो चीज़ें दो बेसिक बुनियादी चीज़ें पाई जाती हैं एक अरबी हरूफ का नाम और दूसरे अरबी हरूफ की आवाज नाम और आवाज मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल आपकी खिदमत देता हूं कि जैसे इंग्लिश में है ये वर्ड मैं लिखता हूं ये लेटर देखिए बी एक इसका साउंड है और एक इसका नेम है जब इसका हम, ए, साउंड इसका होगा तो इसका साउंड है ब लेकिन इसकी आवाज बी मिसाल के तौर पे दाल की आवाज क्या है द अभी इस सिलसिले में बताऊंगा डिटेल तो बहुत ज्यादा लेकिन जो आपके जहन से मानूस है मैं भी एग्जाम्पल को पेश कर रहा हूं दाल की आवाज आवाज है साउंड है द लेकिन इसका नाम क्या होगा दाल या मिसाल के तौर पे लाम लाम का साउंड होगा हो लेकिन इसका नाम क्या है लाम अरबी में इसको किस तरह लिखते हैं वो अभी आपको बताऊंगा जब अल्फाबेट्स का इंट्रोडक्शन होगा आपकी खदमत में तो एक तो है नाम इनका अरबी हरूफ का और एक इनकी आवाज़ वो शख्स जो कुरान मजीद की तिलावत या अरबी तहरीर अरबी मतन की तिलावत या करात सीखना चाहता है उसके लिए ज़रूरी यह है कि हरूफ के नाम से भी आशना हो और हरूफ की आवाज़ से भी आशना हो जब तक सही तरीके से इंसान हरूफ के नाम और हरूफ की आवाज़ से आशना ना हो वो क़ुरान मजीद की करात या तिलावत नहीं कर सकता क्यों क्या वजह है मैं इसको रब कर देता हूँ कुरान मजीद में, में सूरों की तादाद कितनी है हंड्रेड एंड फोर्टीन कुरान मजीद में, में सूरों की तादाद कितनी हंड्रेड एंड फोर्टीन एक सौ चौदह सुरे एक सौ चौदह सूर इनमें जो आयात हैं इनकी तिलावत के लिए हम कितने लेटर्स को यूज़ करते हैं अट्ठाईस या 29 जो मैंने अभी आपकी खदत में पे पेश किया आपको बताया कि अरबी हरूफ की तादाद अट्ठाईस था, भी है बाद लोग उनतीस भी कहते हैं उसकी वजह क्या वो आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से बाद में तो एक सौ चौदह सूरों की जब हम तिलावत करते हैं उन सूरों के आयात की तो हम इन हरूफ का सहारा लेते हैं क़ुरान मजीद में एक सौ चौदह सूरों में ट्वेंटी नाइन उनतीस ऐसे हैं उनतीस सूर्य कुरान मजीद में ऐसे हैं कि जिनकी इब्तदा में बल्कि फर्स्ट आयत या बाज में दो आयतें है, ऐसी हैं पहली या दू, पहली और दूसरी या बाज अक्सर में पहली आयत ऐसी है कि जिनकी तिलावत के लिए हमें हरूफ के नाम से आशना होना ज़रूरी है अगर हम हरूफ के नाम से आशना नहीं हैं तो हम उन लफ्ज़ों के कुरान मजीद के उन लफ्ज़ों की हम तिलावत नहीं कर सकते उनको हम नहीं पढ़ सकते उनके हम करात नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने आवाज़ से नहीं पढ़े जाते हरूफ वो हरूफ अपने नाम से पढ़े जाते हैं एग्ज़ाम्पल आपकी खिदमत पे पेश करें जो हम लोग हर लम्हा हमारी ज़बान पर रहता है और अक्सर एक मोमिन और एक मुसलमान की पहचान ये है कि वो अपना हर काम का आगाज़ अपने हर काम का आगाज़ जो इस लफ्स के साथ करता है वह क्या है बसमन सिलसिले में ब्रैकेट में एक हदीस भी बयान करता चलूँ रसूल ख़ुदा की हदीस है कि अम्र क्लु रहमान रहीम फहु फ़ोआतर हर वो काम के जो एक अपने आप में ज़रूरत रखता है वो काम अगर बिस्मिल्लाह के साथ शुरू ना हो तो वो काम नाक़ रहता है वो काम कभी भी पूरा नहीं होता है पाँचवें इमाम की हदीस है कि एक मोमिन की पहचान ये कि वो खाना जब भी खाता है खाने में हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो कम से कम हर रोज़ दिन भर में तीन टाइम तो अंजाम देते हैं जब भी वो खाता है बिस्मिल्लाह से आगाज़ करता है अगर कोई शख्स भूल जाए बिस्मिल्लाह कहना तो जिस जगह उसको याद आए वो उस जगह बिस्मिल्लाह कह दे और अगर कोई बिस्मिल्लाह के बग़ैर कोई खाना खाता है तो वो ग़ज़ा उसके पेट में नहीं जाती बल्कि शैतान के पेट में जाती तो बिस्मिल्लाह के सिलसिले में तो हम लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी में बिस्मिल्लाह इस वर्द ज़बान रहता है हमारे रहीम अब में जो हरूफ़ हैं जो लेटर्स हैं अरबी के हरूफ़ हैं हम इनको कैसे पढ़ रहे हैं इनके साउंड के ज़रिए पढ़ रहे हैं इसमें बे है सीन है मीम है फिर अलिफ़ है लाम है हे है अलिफ़ ये या अलिफ़ है लाम है रे है हे है नून है है ये मीम ये सारे हरूफ़ से मिल जो है ये बिसमिल्लर तैयार हुआ हम इसको जब पढ़ते हैं इसकी तिलावत करते हैं हम कैसे करते हैं इनके हरूफ़ की आवाज़ के ज़रिए लेकिन सूर अलहमद के बाद का दूसरा सूरा कुरान मजीद का वर्स नंबर टू सूर्य बकरा उसमें सबसे रहीम के बाद सबसे पहली आयत क्या है अलिफ रहीम में जो हरूफ हैं हम उनको उनकी आवाज के जरिए पढ़ रहे हैं लेकिन यह हरूफ जो हैं अलिफ लाम, मीम इनको हम अलम नहीं पढ़, मिला के नहीं पढ़ रहे हैं या मिसाल के तौर पे सूर्य यासीन के जो बहुत मानू सूर है अक्सर हम लोग उसकी तिलावत करते हैं इसमें भी हम इसको यास नहीं पढ़ रहे यस नहीं पढ़ने है। इसको क्या पढ़ना है यासीन या मिसाल के तौर पे सूर्य ताहा ताहा इसको भी हम कैसे पढ़ने है? हरूफ के नाम क्या हैं यह आपकी ख़िदमत में पेश किया जाएगा अभी सिर्फ यहाँ इंट्रोड्यूस ये करना है एक्सप्लेन ये करने का मकसद है कि हरूफ में दो चीज़ पाई जाती है नाम पाया जाता है और उनका साउंड पाया जाता है और एक शख्स जो कुरान मजीद की तिलावत सीखना चाह रहा है उसके लिए नाम से भी आशना होना ज़रूरी है और आवाज़ और साउंड से भी हरूफ के आशना होना ज़रूरी है क्योंकि कुरान मजीद में कुछ आयतों गोया उनतीस सूरों की इब्तदा में जो पहली आयत है या बाज़ में दूसरी आयत भी उसका आगाज़ उन हरूफ से होता है कि जो आवाज़ से नहीं पढ़े जाते हैं। बल्कि अपने नाम से पढ़े जाते हैं बकिया पूरे कुरान मजीद जो है वो तमाम सूर तमाम आयत तमाम अल्फाज जो कुरान मजीद के हैं वो हरूफ की आवाज़ से पढ़े जाते हैं ये गोया छठा पॉइंट सातवा पॉइंट जो इसी के ज़ैल में इसको बताता हुआ चलूँ यहाँ कि वो कलेमात और वो हरूफ के जो कुरान मजीद में अपने नाम से पढ़े जाते हैं अपनी आवाज़ से नहीं पढ़े जाते हैं वो हरूफ या वो कलेमात कुरान मजीद में कि जो नाम से पढ़े जाते हैं आवाज़ से नहीं पढ़े जाते हैं उन हरूफ को अरबी में हरूफ़ मकत्त कहते हैं हरूफ मुकत्त वो हुफ जो अपने नाम से पढ़े जाते हैं अरबी में उन्हें रूफे मुकत्तात कहा जाता है मुकत्त मुकत्तात ये वो हरूफ हैं कि जो अपने नाम से पढ़े जाते हैं अपनी आवाज से नहीं पढ़े जाते हैं जो जिनकी एग्जाम्पल इनकी मिसाल एक अले इस्लामीम या सीन त हा अले फ़िला मीम रा हा मीम ये वो हरूफ़ हैं जिनको हरूफ़ मुकत्तात कहा जाता है इसके बाद जो सातवां पॉइंट है आठवां पॉइंट है इसके बाद का पॉइंट जिससे जो इस सिलसिले में कुरना मजीद की क़रात को तिलावत को सीखने के लिए जिससे आशना होना ज़रूरी वो ये कि दीगर तमाम जबानों के बर अरबी ज़बान वाहिद एक ऐसी जबान है कि जो दूसरी ज़बानों के बनस्बत एक यूनिक यूनिकबान और उसमें एक ऐसी खासियत उसके हरूफ में पाई जाती है जो दूसरी ज़बान में नहीं पाई जाती वो ये कि अरबी ज़बान के, के हरूफ बाई हरूफ की तोज् कीजिएगा ये बहुत अहम नुकता है बहुत अहम पॉइंट है बाई डिफ़ॉल्ट बज़ात ख़ुद अरबी जबान के हरूफ जो हैं वो गूँगे हैं यानी उनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है अरबी जबान के हरूफ गूँगे हैं उनकी कोई आवाज़ नहीं है इस सिलसिले में डिटेल इनशाला आइंदा दरस में आपकी खिमत में पेश की जाएगी बस यहाँ मैं पॉज़ लेता हूँ और यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा तो इतने नकत जो हैं वो इसकी तरफ तोज्जो ज़रूरी है क्यों इसकेफाज गे हैं और गोया इनके अल्फाज अगर गूँगे हैं तो उनकी आवाज़ की अदायगी कैसी होगी अगर उससे कोई शख्स आशना हो जाता है हरूफ से आशनाई के बाद हरूफ से आशनाई के बाद अगर कोई शख्स इस बात से आगा हो जाए कि अरबी के, के हरूफ बज़ात ख़ुद गूँगे और उनकी आवाज़ ख़ुद ज़ाहिर नहीं हो सकती जो जरिया है उनकी आवाज़ को जाहिर करने का अगर उसकी शनाख्त हो गई तो फिर इंसान के लिए कोई सख्त और कोई मुश्किल नहीं होगी कुरान मजीद की तिलावत करना बारगह ख़ुदा में दुआ कि खुदा वंद आलम हमें तोफ़ी अता करे कि हम आसान से आसान तरीक़े से तेरी किताब को इस इलाही किताब को समझ सकें पढ़ सकें सीख सकें और इसके नषर का दूसरों को सिखाने का ज़रिया और वसीला बन सकें और ये हमारी ज़िंदगी में तेरी बारगाह से नज़दीक होने का ज़रिया बन सके वो असलकुम वरम वक्